ओम नमः शिवाय। ओम त्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंदनात् मृत्युर् मोक्षी अमामृतात्। शिव जीवन का स्टार्ट, शिव ही जीवन का अंत। और जैसा कि आपने सुना भी होगा, हम बोलते हैं ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले। तो शिव का महिमा का गुणगान, शिव की भक्ति, सावन का महीना। आशा करता हूँ आप लोग शिव की भक्ति में लीन होंगे, आपने मेरे बताए हुए लास्ट वीक के उपायों को फॉलो किया होगा, सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा सभी जातकों के, डिफरेंट राशियों के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। सब पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ रत्न है मूंगा, शुभ दाश है तीन मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। यह सप्ताह आर्थिक व प्रोफेशनल रूप से आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम लेकर आएगा। खुशियाँ, हर्ष, उल्लास से परिपूर्ण रहने वाला है। आपको अपनी ताकत को अच्छे और उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगाने का प्रयास करना है। यदि जातक विवाहित है तो इस सप्ताह शादीशुदा जोड़े और प्रेमी युगल वैवाहिक व प्रेम जीवन में रोमांच से भरपूर पलों का आनंद ले पाएंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। घर में खुशियाँ, शांति बरकरार रहेंगी। सप्ताह विद्यार्थियों के हिसाब से आगे की योजना बनाने के लिए शुभ है। नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करें, कामयाबी आपके साथ रहेगी। पढ़ते समय एकाग्रता बनाकर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा। बीमार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा। आपको अपनी माता जी की सेहत का ख्याल रखना है। सप्ताह को देखा जाए तो जैसे सप्ताह की एक अच्छा सप्ताह है, सप्ताह को कैसे और अच्छा बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आप पास के मंदिर में मिठाई का दान करें। हनुमान जी को स्पेसिफिकली मंडे, ट्यूसडे और शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। जब भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं तो एक लाल रुमाल अपने साथ रखें। गायत्री मंत्र का पाठ रेगुलरली करें। भाइयों के साथ आदर सम्मान से अपना समय व्यतीत करें। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपको वट वृक्ष की जड़ों पर अगर मीठा दूध चढ़ाते हैं तो ये भी आपके लिए शुभकारी रहेगा। चिड़ियों पक्षियों को आप दाना डालें। रात को सोते समय सिर के पास आप इस फटिक के बॉल में पानी रखें और सुबह उस पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। ये भी आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होगा। तो जैसा कि मैं हर वीक बताता हूँ कि ये सब उपाय, हो सकता है कि आप सारे उपाय कर पाएँ, हो सकता है कि आप उसमें से कुछ उपाय करें। जीवन के अंदर जब तक जीवन है सुख और दुख आते रहेंगे। सुख और दुख से आपको भयभीत नहीं होना है। सुख में अपने आप को महान समझना और दुख में अपने आप को सबसे व्याकुलित समझना, दोनों ही स्थितियाँ गंभीर स्थितियाँ हैं। दोनों स्थितियों से आपको बचना है। तो आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए हमेशा चाहिए कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को नेगेटिव चीज़ों और नेगेटिव मैलेफिक इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट से बचा सकती है। उन पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो कैटलिस्ट हैं, ये वो उपाय हैं जिसमें रुद्राक्ष थेरेपी, जैन थेरेपी, स्टोन थेरेपी, बाकी आपके दान दक्षिणा, लोगों के प्रति आपके अच्छे विचार, ये एक तरीके के कैटलिस्ट हैं जो आपको किसी भी आने वाले डिफ़िकल्ट समय से बचा सकते हैं। डिफ़िकल्ट समय हर किसी इंसान की लाइफ में आएगा, उसको कैसे लेना है, उनके क्या उपाय करने हैं, यही उपाय हैं जो आपके जीवन को तार सकते हैं। तो इन्हीं आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा और शुभकारी रहे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।